हाँ तो दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 हुई घोषित। इन 11 विस्फोटक खिलाड़ियों के साथ उतरेगी भारतीय टीम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका का तीसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला कब खेला जाएगा, साथ ही में तीसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है, कौन से 11 विस्फोटक खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी, टीम इंडिया में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, पूरी खबर विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला 11 जनवरी को शुरू होगा। इस मुकाबले के समय में बदलाव किया गया है। तीसरा टेस्ट मुकाबला दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जो की केप टाउन के न्यूलैंड स्टेडियम में खेला जाने वाला है। यहाँ दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों ऐसे में आपके हिसाब से यह निर्णायक टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है, इस सीरीज पर कौन सी टीम अपना कब्जा जमा सकती है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया में विराट कोहली वापसी कर सकते हैं। दूसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली चोट की वजह से टीम इंडिया में मौजूद नहीं थे, ऐसे में टीम इंडिया की कप्तानी केएल राहुल को सौंपी गई थी। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली की वापसी होने की पूरी उम्मीद है, जहां विराट कोहली टीम इंडिया में शामिल होकर भारतीय टीम को मजबूती दे सकते हैं। अगर तीसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली के बल्ले से मात्र 1 शतक निकल गया तो विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले कप्तान बन जाएंगे। हालांकि पिछले 2 सालों से विराट कोहली के बल्ले से 1 भी शतक देखने को नहीं मिला है। भारतीय टीम के साउथ अफ्रीका के मैदान पर पिछले आंकड़े बिल्कुल भी अच्छे नजर नहीं आते हैं। इससे पहले साल 2018 में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका में 3 मैचों में टेस्ट सीरीज खेली थी, जहां दोस्तों टीम इंडिया को उस टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। अब तक टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के मैदान पर 7 टेस्ट सीरीज खेल चुकी है, लेकिन एक बार भी टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के सरजमीन पर जीत नहीं हासिल हुई है। इसके अलावा तीसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जहाँ विराट कोहली समेत अन्य 3 बड़े बदलाव होने की संभावना है। विराट कोहली के अलावा बल्लेबाजी में 2 बड़े बदलाव होते हुए नजर आएंगे। टीम इंडिया में 2 तूफानी बल्लेबाजों की एंट्री हो सकती है। इसके अलावा गेंदबाजी में 1 आक्रामक गेंदबाज को टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है। 4 बड़े बदलावों के साथ भारतीय टीम बेहद ही ज्यादा मजबूत नजर आ सकती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं तीसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया में कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, कौन से 11 विस्फोटक खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, तो चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों सलामी बल्लेबाज की बात की जाए तो आप सभी को मयंक अग्रवाल खेलते हुए एक बार फिर से नजर आएंगे। हालांकि दूसरे टेस्ट मुकाबले में मयंक अग्रवाल 2 इनिंग्स में मात्र 49 रन ही बना पाए थे, लेकिन पहले टेस्ट मुकाबले में मयंक अग्रवाल से ठीक ठाक बल्लेबाजी देखने को मिली थी, ऐसे में तीसरे टेस्ट मुकाबले में मयंक अग्रवाल को एक बार फिर से टीम में शामिल किया जा सकता है। मयंक अग्रवाल से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। नंबर 2 पर विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल मौजूद होंगे, जो दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आए थे, लेकिन विराट कोहली के बाद अब केएल राहुल को कप्तानी से हटाया जाएगा और अब विराट कोहली कप्तानी कर सकते हैं, तो वहीं पर केएल राहुल सिर्फ बल्लेबाजी से अपना योगदान दे सकते हैं। अब तक मौजूदा टेस्ट सीरीज में केएल राहुल ने भारत की तरफ से सबसे अधिक रन बनाए हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा के स्थान पर बड़ा बदलाव होगा। पिछले कुछ समय से चेतेश्वर पुजारा अच्छे फॉर्म में मौजूद नहीं है, ऐसे में इनकी जगह श्रेयस अय्यर को मौका दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर जो की न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करके शानदार शतकीय पारी खेली थी और बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी श्रेयस अय्यर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। नंबर 4 पर कप्तान विराट कोहली की वापसी हो सकती है। मौजूदा समय में विराट कोहली अपने करियर के खराब दौर से गुजर रहे हैं। दूसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे, लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जहाँ विराट कोहली से एक बेहतरीन शतक की भी उम्मीद होगी और अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को जीत दिलाकर एक बड़ा रिकॉर्ड विराट कोहली रच सकते हैं। नंबर 5 पर अजिंक्य रहाणे को टीम इंडिया में एक बार फिर से मौका मिल सकता है। दूसरे टेस्ट मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन पिछले कुछ समय से अजिंक्य रहाणे भी अच्छे फॉर्म में मौजूद नहीं है, ऐसे में अब तीसरे और निर्णायक मुकाबले में अजिंक्य रहाणे से टीम इंडिया अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत के स्थान पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब तक मौजूदा टेस्ट सीरीज में 2 मुकाबलों में ऋषभ पंत की बल्लेबाजी काफी खराब रही है, ऐसे में तीसरे टेस्ट मुकाबले में ऋषभ पंत के स्थान पर टीम इंडिया में रिद्धि
रिद्धिमान साहा को शामिल किया जा सकता है। हालांकि रिद्धिमान साहा ने पिछले कुछ समय से कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया था, लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में रिद्धिमान साहा को मौका मिलने की पूरी संभावना है। नंबर 7 पर ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन मौजूद होंगे। अब तक मौजूदा टेस्ट सीरीज में अश्विन का प्रदर्शन काफी हद तक ठीक ठाक रहा है। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में अश्विन ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से ही अपना योगदान दिया था। उसी तरह से अब तीसरे टेस्ट मुकाबले में अश्विन और बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। इसके अलावा नंबर 8 पर तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरे टेस्ट मुकाबले में शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी लाजवाब रही थी। शार्दुल ठाकुर ने पहले इनिंग्स में लाजवाब गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट हासिल किए थे। बल्लेबाजी में शार्दुल ठाकुर ने 2 इनिंग्स में 28 रन बनाए थे। ऐसे में तीसरे टेस्ट मुकाबले में शार्दुल ठाकुर से और बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी। नंबर 9 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि दूसरे टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह का 2 इनिंग्स में मात्र 1 विकेट ही मिल पाया था। ऐसे में तीसरे टेस्ट मुकाबले में बुमराह से अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद होगी। इसके अलावा नंबर 10 पर मोहम्मद शमी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि अब तक टेस्ट सीरीज में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। दूसरे टेस्ट मुकाबले में मोहम्मद शमी ने 2 इनिंग्स में 3 विकेट हासिल किए थे, तो वहीं पर पहले टेस्ट मुकाबले में शमी ने कुल 8 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के स्थान पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मोहम्मद सिराज के स्थान पर ईशांत शर्मा जैसे तूफानी गेंदबाज को टीम इंडिया में मौका दिया जा सकता है, जिसके पास अनुभव की कोई भी कमी नहीं है। ईशांत शर्मा अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को चकनाचूर कर सकते हैं, साथ ही में उनके परखच्चे उड़ा सकते हैं और टीम इंडिया को जीत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ इस तरह से टीम इंडिया के प्लेइंग 11 होंगे। दोस्तों, इसी में आपको क्या लगता है, टीम इंडिया का तीसरा टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी? उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।